जब हम किसी भी प्रकार का एडमिशन अपने स्कूल में करते हैं, चाहे वो फ्रेश एडमिशन हो, ट्रांजिशन हो या रीएडमिशन हो, कोई भी एडमिशन हो, उसके बाद उन बच्चों का सेक्शन, सब्जेक्ट और रोल नंबर करना आवश्यक है। इसके बहुत से अध्यापक बच्चों का एडमिशन कर देते हैं लेकिन पूरे साल उनका सेक्शन, सब्जेक्ट, रोल नंबर एलोकेट नहीं करते, लेकिन यह प्रक्रिया भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप स्टूडेंट मैनेजमेंट में एलोकेट सेक्शन सब्जेक्ट में जाएंगे, सिक्स क्लास, हमने इस बच्चे का एडमिशन किया था तो इसको प्रोसीड टू सेक्शन एलोकेशन, हम इसको ए सेक्शन में कर रहे हैं, प्रोसीड टू सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो तो आ ही जाएंगे, उसके साथ बच्चे ने क्या ली, पंजाबी ली, ड्राइंग ली, सेव, रिकॉर्ड एडिट। आप सब्जेक्ट एक बार सिलेक्ट करने के बाद, उसके बाद भी अगर ईयर में, पूरे साल में बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चेंज करता है तो आप इजीली चेंज कर सकते हो। स्टूडेंट मैनेजमेंट, एलोकेट रोल नंबर, प्रोसीड, कंफर्म रोल नंबर। हमने यहाँ पर अभी एक ही बच्चे का रोल नंबर देना है तो उसका रोल नंबर ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, कंफर्म रोल नंबर। रोल नंबर देने के बाद ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है।